मुंबई की सुप्रसिद्ध सामाजिक एवं कलात्मक संस्था कपिल कला केंद्र की तरफ से स्वर सम्राट पद्मश्री मोहम्मद रफी की 91वीं जयंती के अवसर पर सांता क्रूज पश्चिम कब्रिस्तान में उनकी कब्र पर गुलाब का फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी रूह के सुकून के लिए फातिहा पढ़ी गई। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध खलनायक अली खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 40 साल बाद आज भी उनके गीत को सुनकर लोगों के मन को शांति मिलती है। हम पिछले 35 सालों से सरकार से उनके लिए भारत रत्न का सम्मान मांग रहे हैं। उनको यह सम्मान मिलने से उनके देश विदेश के लाखों करोड़ों फैंस को बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। भोजपुरी फिल्म अभिनेता गायक धर्मेंद्र खरवार ने उनका अजर अमर देशभक्ति गीत जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा अपनी मधुर आवाज में गाकर मोहम्मद रफी की याद ताजा कर दी। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। वॉइस ऑफ मोहम्मद रफी मोहम्मद हनीफ ने एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों की प्रस्तुति से सभी रफी प्रेमियों का दिल जीत दिया। आरपीआई अठौले गुट मुंबई अध्यक्ष गौतम सोनाउने ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठौले आगामी संसद सत्र में मोहम्मद रफी को भारत रत्न देने के लिए सरकार से मांग करेंगे। हमने मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि 31 जुलाई को इस संबंध में एक पत्र उनको दिया है। श्री खारका महावीर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी और घाटकोपर आईआईटी माइंस कोचिंग क्लास के संचालक देवेंद्र शुक्ला, मुंबई कांग्रेस सचिव तथा उद्योग व्यापार विभाग अध्यक्ष लक्ष्मण कोठारी, महाराष्ट्र सिटीजन फोरम के अध्यक्ष कला केंद्र संरक्षक डॉक्टर दिनेश हेगड़े, नीलेश नानचे, कला केंद्र के अमर देव बहुगुना, कमल गुप्ता, सबील अहमद, विनोद शाह, वॉइस ऑफ किशोर कुमार, पिंटू खरवार, वॉइस ऑफ मोहम्मद रफी विनोद कुमार, गायक अमित कुमार, गोपाल मौर्य, हैसीराम कामले, प्रकाश कामले, मोहन राजभर, मोहम्मद दिलावर हुसैन, सतीश बेलमकर, रसिद खान, सोनू सरोज, प्रतिभा सैनी, संगीतकार विजय देसाई, प्रबीर सरकार के अलावा मोहम्मद रफी के सैकड़ों चाहने वालों ने उन्हें भारत सरकार से भारत रत्न देने की मांग की। कला केंद्र के अध्यक्ष कपिल देव खेरवार ने सभी रफी प्रेमियों के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया। रिपोर्ट CEN News मुंबई।